हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक रहेगा। और अगर इसे पिछला वीडियोज देखना होगा या फिर अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना होगा जेबी गुप्ता का सोल्यूशन से रिलेटेड, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, लिंक सारा लिंक वहाँ पर डाला हुआ है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ व्हाइट नॉइस। तो अगर व्हाइट नॉइस पढ़े हो गया तो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि नॉइस का जो टाइप्स मैंने बताया था उसमें सारा बताया था व्हाइट नॉइस क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस में क्या पढ़ना रहता था। चलो व्हाइट नॉइस का बोल रहे हैं कि अपना स्पेक्ट्रल डेंसिटी किस तरह से होता है। तो अगर व्हाइट नॉइस का बात करूँ तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, ड्रा होता है। तो आप देखे होंगे कहीं ना कहीं पे व्हाइट नॉइस का स्पेक्ट्रल डेंसिटी उस तरह से ड्रा होता है, ठीक है ना। ये अपने को व्हाइट नॉइस का स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, इसको ये हमारे लिए SNF रहता है, ठीक है ना। ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी रहता है। ये जो ग्राफ है ये हमारा यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 21 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पावर, इसको कहते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, PSD कहते हैं, ठीक है ना। ये PSD का ये ग्राफ है, स्पेक्ट्रम है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ व्हाइट नॉइस। सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ व्हाइट नॉइस क्या होता है। ये अपना पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ठीक है ना, उसका व्हाइट नॉइस का पूछ रहा है क्या होता है। तो ये अपने को था SNF था ये, ठीक है ना, SNF है ये, यानी अपने को FI फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी के कॉन्स्टेंट है ये, ठीक है ना। ये अपना जो लाइन है ये कॉन्स्टेंट है विथ फ्रीक्वेंसी, तो इट्स कॉन्स्टेंट विथ फ्रीक्वेंसी, तो अपने कोई फ्रीक्वेंसी से कॉन्स्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। 23 बोलता है कि अपने को एक 1 मिलीवाट का एक ये है वीडियो सिग्नल हैविंग बैंडविड्थ इतना दिया हुआ है, ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि PT दिया, पावर ट्रांसमिट दिया हुआ, ठीक है। ट्रांसमिट पावर अपने को दिया है 1 mV, ठीक है ना, वाट। तो अपने को क्या हो गया, 10⁻³ वाट हो गया। ये बोल रहा है बैंडविथ कितना दिया अपने को, बैंडविथ BW क्या दिया अपने को, 100 MHz दिया, ठीक है ना। तो इसको ओपन करो तो 10⁸ हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि लॉस इन केबल क्या दिया हुआ है। देखो केबल लॉस, केबल में लॉस हुआ है इतना 40 dB का, इसको मान लो लॉस अपना है, ये लॉस कितना हो गया अपने को 40 dB। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में तो अपने को आएगा 10⁴, कहने का मतलब ये हमारा पी लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, ये पी लॉस कराएगा, इतना लॉस हुआ हमारा। अब वन साइड नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी दिया हुआ है 10⁻²⁰ वाट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, चलो क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि हमारे को नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी मेरे को दिया, नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी यानी कि NO मेरे को दिया हुआ है अपने को 10⁻²⁰ वाट दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो अब निकालते हैं, आगे बनाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉइज निकालो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालो मेरे को निकालने के लिए। चलो मेरे को पता है पहले नॉइज पावर निकालो, तो नॉइज पावर यानी कि N इज इक्वल टू नॉइज पावर निकालो, नॉइज पावर दैट मीन्स N इज इक्वल टू अपने को क्या हो जाएगा 10⁻²⁸ हो जाएगा, ठीक है ना। 10⁻²⁸ ये बैंडविड्थ अपना हो जाएगा, एंड ये अपने को मेन जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी था ना वो हो जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा 10⁻²⁰ वाट आ जाएगा, हमारे लिए नॉइस पावर निकल गया। अब चलो बात करते हैं, अब मेरे को जो निकालना है अपने को SI निकालो, ठीक है ना। इनपुट में अपने को क्या था, सिग्नल, ये सिग्नल अपना PT इज इक्वल टू पी लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो निकालो 10⁻PT अपने को दिया 10⁻³, ये देखो दिया अपने को PT, एंड पी लॉस कितना लॉस हुआ है सिग्नल में, तो 10⁴ लॉस हुआ है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे 10⁻⁷ आएगा। अब मेरे को जो क्वेश्चन बोल रहा है निकालने को, बोल रहा है सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। ये अपने को नॉइज हो गया, यानी अपने को सिग्नल हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, तो चलो निकाल दो रेशियो, रेशियो निकलेगा। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो बराबर क्या होगा अपने को, सिग्नल कितना अपने पास है, सिग्नल अपने पास कितना है देख लो 10⁻⁷, ठीक है ना, एंड नॉइज कितना अपने पास हो गया 10⁻²⁰, ठीक है ना। ये अपने को लाया भी जस्ट, जिसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर अपने पास आएगा 10⁵। ये जो S/N का वैल्यू आया ये मतलब डेसिमल में आया है। अब क्वेश्चन में जो आंसर दे रहा है वो अपने को dB में दे रहा है। जब इसको dB में कन्वर्ट करोगे तो अपने को जो रिजल्ट आएगा वो 50 dB आएगा, ठीक है ना। कन्वर्ट करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर हमारा 23 का ए हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं, 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 24 क्वेश्चन बोलता है कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी एक रियल है, मतलब स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालते हैं जो अपने वो रियल है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वो ट्रू होगा। तो हम नॉर्मल जानते हैं कि अगर रैंडम को प्रोसेस ऐसा होगा, मान लो रैंडम प्रोसेस अपने पास XT होगा, ठीक है ना, ये अपना रैंडम प्रोसेस है,
इसका जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, ठीक है ना, इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो करने से मेरे को क्या मिलेगा, इसका एक ऑटो कोरिलेशन होता है, ठीक है ना, ऑटो कोरिलेशन, रिलेशन, रिलेशन जो होता है फंक्शन, मान लो रिलेशन फंक्शन अपने पास जो है वो आर एक्स टाउ है, ठीक है ना, यानी इस वाले का, इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स टाउ है, जो डिनोट किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है एस एक्स एफ से, ठीक है ना, तो इसी को कहा जाता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो आप इसका डिफिनेशन पढ़ोगे, पीएचडी कहते हैं इसको, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, आप इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ोगे तो इस तरह का होता है, ठीक है ना। मैं उसको शॉर्ट में मैं लिख दिया, मैं पूरा थ्योरी नहीं लिखा, आप देख लेना जो होता है। मान लो मैं पढ़ देता हूँ, जो फॉर रैंडम प्रोसेस एक्स टी है, जो होता है एक्स टी द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन, ठीक है ना, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स टाउ इज डिनोटेड बाई एस एक्स एफ, ठीक है ना, एस एफ एस ऑफ एक्स एफ, ठीक है, जिसको कहा जाता है इट्स कॉल्ड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। दैट इज, कहने का मतलब क्या अपने को हुआ, जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यानी एस एफ एक्स जो अपने होता है इज इक्वल टू जो होता है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ठीक है ना, आर एक्स टाउ, ठीक है, टाउ ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ टाउ डी टाउ, ठीक है, टाउ के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो ये अपने को फॉर्मूला होता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो अपने को रियल फंक्शन है, ठीक है ना, वो फंक्शन कौन सा है, रियल है। तो अगर फंक्शन रियल होगा तो रियल होगा अपना फंक्शन, कहने का मतलब फॉर रियल, फॉर रियल अगर फंक्शन होगा तो कहने का मतलब एस ऑफ एक्स जो होगा अपने को वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अब ये कंडीशन कहाँ से आया, आप ऐसा कंडीशन कैसे मैं मान लिया, तो आप अगर इंटीग्रेशन कभी ना कभी इंटीग्रेशन पढ़े होगे, तो अगर सपोज कर लो, मान लो तो एक्स ऑफ टी है, ठीक है ना, मान लो एक्स ऑफ एफ हमारा, मान लो वो फंक्शन होगा जिसका मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो करने का मतलब क्या होगा, अगर हमारा एफ अगर इवन होगा, एफ इज इवन, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि जो वो है वो रियल है, ठीक है ना, वो रियल है, कहने का मतलब इवन है वो, तो अगर वो कोई फंक्शन अपना इवन होता होगा, तो कहने का मतलब इवन कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स निकालते हैं तो उसका जो होता है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है, उसको इवन कहते हैं, ठीक है ना, ये अपने को इवन फंक्शन कहलाता है। तो अगर इवन फंक्शन इस तरह से होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है, मान लो अपना इंटीग्रेशन, अगर अपने को मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है, सपोज माइनस ए टू ए निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है मेरे को, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा फॉर रियल फॉर इवन फंक्शन, उसका जो इंटीग्रेशन आता है अपने को 0 से लेकर ए, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स, ये अपने को आता है इंटीग्रेशन, उसी बेस पे इसको निकाला गया है। ये जो वैल्यू आएगा अपने को हर हाल में, चाहे तो 0 आएगा चाहे तो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना, तो ये यही आंसर मैं यहाँ पे ला के लिखा हूँ, मैंने बोला कि रियल है, ठीक है, रियल है, रियल कहने का मतलब अपने को ये आंसर ये होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 24 का। चलो 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 25 क्वेश्चन बोलता है कि रैंडम प्रोसेस एक्स टी है जिसको व्हाइट नॉइस कहा जाता है, तो इफ द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज इक्वल टू, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो मैंने निकाला, ये फॉर्मूला ये अपने को नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब उसने बोला कि नहीं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मेरे को निकालना है व्हाइट नॉइस का, व्हाइट नॉइस का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो अपने पास होता है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ईटा बाई टू होता है, ठीक है ना, ईटा बाई टू, तो या फिर कह सकते हो आप सीधे सीधे, आप ये कह सकते हो कि एन नॉट अपॉन टू, ठीक है ना, एन नॉट अपॉन टू भी कह सकते हो। तो देख लो ये जो होता है ये ऑल फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है व्हाइट नॉइज के लिए, ठीक है ना, पीएचडी निकालने का। ये क्या अपने को पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है एक थर्मल नॉइज है जो पास किया जाता है, लो पास फिल्टर से पास किया जाता है, जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा हर्ट्ज दिया हुआ है, तो ऑटो कोरिलेशन बोल रहा है इस तरह का, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो अब मेरे को पता है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो अपने पास होता है फॉर रियल फंक्शन के लिए, पीएचडी अपने को जो होता है, पीएचडी जो होता है अपने को एस ऑफ एक्स एफ इज इक्वल टू किसका हमारे लिए, कौन सा थर्मल नॉइज है ना अपना, तो थर्मल नॉइज के लिए अपने पास होता है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी मोड एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर, ठीक है ना, ये अपने पास होता है, यहाँ पर एक्स टी हमारा, एक्स एफ हमारा क्या है, एक्स एफ हमारा फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी है, ठीक है ना, एक्स एफ हमारा क्या है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एफ, एक्स एफ। चलो अगर ये इस तरह से होता है, तो अगर मैं बात ऑटो कोरिलेशन का मैं बात करता हूँ, ऑटो कोरिलेशन होता क्या है, तो ऑटो कोरिलेशन अपने को जो होता है वो एस ऑफ एक्स का क्या होता है, एस ऑफ एक्स का ऑटो कोरिलेशन जो होता है वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स, ठीक है ना, इस तरह का होता है।
तो ये जो ऑटो कोरिलेशन है ना वो इसको डिनोट करता है, इसको मतलब करता है, ये अपने को ऑटो कोरिलेशन शो करता है। तो ऑटो कोरिलेशन ना कहे कि ये कहो तो इसका मतलब ऑटो कोरिलेशन होता है। तो ऑटो कोरिलेशन होता क्या है, जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अपने को ये होता है ना, तो बेसिकली होता है कि इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालो तो उसको ऑटो कोरिलेशन कहा जाता है, ठीक है ना। अगर इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो उसका ये अपने को ऑटो कोरिलेशन कहलाएगा। अब चलो अभी तक यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम, अब मेरे को बोल रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन सही है। तो अब मेरे को एक और पता है कि थर्मल नॉइज का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ये जो मैं निकाला इसको जब आप सॉल्व करोगे, अपने जब सॉल्व करोगे तो यानी कि एस मान लो, एस थर्मल लिखो, ठीक है ना, एस थर्मल, एस थर्मल इज इक्वल टू क्या आता है, 4 kT अपॉन आर होता है। आर अपने लिए क्या है, आर अपने के लिए फीडबैक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, फीडबैक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। मैं हर एक टर्न को सॉल्व कर बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अब जो क्वेश्चन बोलना चाह, मैं एक यहाँ पे पेज ऐड कर रहा हूँ तो आपको और अच्छे समझा सकूँ। तो अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब मेरे को पता है कि PSD मतलब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होता है अपने का आउटपुट वाला, वो इक्वल होता है अपने को PSD ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट का जो मल्टीप्लाई होगा H of x का मोड का स्क्वायर। ये जो मैं लाया हूँ ना, ये मैं यहाँ से लाया, ठीक है ना, ये वाले टर्म, ये टर्म मैंने, ठीक है ना, यहाँ से जब फॉरियर ट्रांसफॉर्म मैं निकालूंगा। ये जो होता है क्वेश्चन, इसने बोला अकाउंट टू क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला इसने, क्वेश्चन बोल रहा था कि ये जो पास किया गया अपने को लो पास फिल्टर से पास किया गया, ठीक है, इधर थोड़ा ऑटो कोरिलेशन जो है और वो लो पास फिल्टर से पास हो रहा है। तो जब ऐसा होगा, लो पास फिल्टर से जब पास होता है, ठीक है ना, उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया गया, तो जब लो पास फिल्टर से पास होगा ना, तो कहने का मतलब अपने को एच ऑफ एक्स जो होगा मोड वाला उसका स्क्वायर जो होगा अपने पास 1 हो जाता है, ठीक है ना, जब वो लो पास फिल्टर से पास होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पी एच डी इनपुट का आउटपुट का जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पी एच डी ऑफ इनपुट का, ठीक है ना। तो एक ये रिलेशन निकल गया, ये कहाँ से निकला, जब ये ऐसा होगा तब, ठीक है ना। ये ऐसा इसलिए हो रहा, कब ऐसा होगा, जब ये मान लो ये ठीक एच एफ इज इक्वल टू 1 होता है, तो ऐसा होगा, ऐसा कब होगा, जब ओमेगा सी जो है अपने को वो वैरी करेगा, यहाँ ओमेगा से लेकर वैरी करेगा ओमेगा तक, ठीक है ना, माइनस ओमेगा सी से लेकर ओमेगा से लेकर ओमेगा सी तक वैरी करेगा। तो पहला ऑप्शन अपने को यहीं से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो एक तो आंसर अपने को यहाँ से मिल जा रहा है, देखो ये वाला अपने को मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक चलेगा, इस तरह का पहला एक ऑप्शन मिल गया। अब देखना है कि कौन सा फंक्शन अपने को होगा, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, अब अपने को कौन सा होगा। तो चलो देखता हूँ, आप गॉसियन होगा कि सिंक होगा कि ट्रायंगुलर होगा, कौन सा फंक्शन वो होगा, चलो मैं निकालता हूँ। तो आप अगर नोटिस करोगे कि अपना जो फंक्शन होता था, मान लो ये अपने को फंक्शन है एच ऑफ एक्स निकालो, एच ऑफ एफ जो होता था अपने को, ये मोड का स्क्वायर होता है ये, तो ये अपना जो टर्म होता था वो कुछ इस तरह से होता था, माइनस ओमेगा टू लेकर ओमेगा तक होता था। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने को ये वाले से, इस पीएचडी से मल्टीप्लाई जब करते हैं इसको हम, पीएचडी अपने को ये है, ठीक है ना, ये अपना पीएचडी है, तो ये अपने को एस इन ऑफ एफ है, ठीक है ना। इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है, वो मेरे को जो रिस्पॉन्स मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, मल्टीप्लाई अपने को यहाँ तक आउटपुट आना, तो अपने को आउटपुट यहीं तक आएगा एंड बाकी ये पूरा नीचे गिर जाएगा। तो माइनस ओमेगा टू लेकर ओमेगा तक आएगा एंड ये अपना क्या हो जाएगा, पीएचडी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अपने किसका हो जाएगा, ये आउटपुट का आएगा, मतलब आउटपुट आएगा ये। अब क्वेश्चन बोलता है कि इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ गया लेकिन इसका एक ऑटो कोरिलेशन निकालो, तो ऑटो कोरिलेशन किस तरह से निकलेगा, तो मैं क्या बताया ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, इसको ऑटो मतलब फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। तो जैसे इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा अपना फॉरियर ट्रांसफॉर्म, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से अपने को बनेगा एंड ये भी इधर भी इस तरह से रहेगा। तो ये जो फंक्शन होता है अपने को, ये फंक्शन होगा, इसको कहते हैं सिंक फंक्शन, सिंक सिंक फंक्शन ये होता है, ठीक है, तो ये सिंक फंक्शन होता है। तो चलो, तो इसके साथ अपना ये फंक्शन जो, ये जो फंक्शन का नाम है सिंक फंक्शन नाम दिया गया, तो अपने को सिंक हो गया ऑप्शन में, और वो जो होगा वो कहाँ से वैरी करेगा, माइनस से लेकर प्लस तक वैरी करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइनस से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 26 का। चलो क्वेश्चन 27 देखो, 27 बोलता है कि पीएचडी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, एक स्टेशनरी है जिसका सिंक स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो शेप और इट्स ऑटो कोरिलेशन क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे को सिंक फंक्शन है, सिंक फंक्शन अपने को इस तरह से होता है, ये अपने को मैं जस्ट अभी मैं बताया कि सिंक फंक्शन जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, ये इस तरह से सिंक फंक्शन अपने को। अब इसका बोल रहा है, इसका बोल रहा है कि पीएचडी निकालो, ठीक है ना, पीएचडी यानी कि सिंक का स्क्वायर निकालो, पीएचडी कहने का मतलब सिंक का स्क्वायर निकालो। जब सिंक का आप स्क्वायर करोगे, सिंक का जैसे ही स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, जैसे ये देखो स्क्वायर फंक्शन है, सिंक का जैसे ही स्क्वायर करोगे तो कुछ इस तरह से फंक्शन बनेगा अपने को, ठीक है। तो ये अपने को इस तरह से फंक्शन बनेगा, ये मान लो अगर आठ टाव है, ये आठ टाव है, तो ये भी अपने को आठ टाव ही रहेगा,
ठीक है ना, ये कब आया, अपने को sinc का स्क्वायर करना चाहिए, sinc फंक्शन था उसका आपने जब स्क्वायर किया तो ये इस तरह से मेरे को आउटपुट मिला। ठीक है, तो ये देख लो ऑप्शन नंबर हमारे इसके हिसाब से बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन नंबर पे चलो, क्वेश्चन 28 बोलता है कि पीएचडी दिया, पीएचडी एंड नॉट है हर्ट्ज एंड फिल्टर किया इतना, तो चलो क्या क्या मेरे को दिया, तो आउटपुट नॉइस पावर जो होता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आउटपुट नॉइस पावर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, तो आउटपुट नॉइस पावर जो कैलकुलेट किया जाता है, तो आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से निकालते हैं, जो आउटपुट नॉइस पावर निकालना है मेरे को, तो मैं आउटपुट पीएचडी से निकालूंगा, ठीक है ना, आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से निकालूंगा। तो कहने का मतलब एस एन ऑफ आउटपुट निकालो, मतलब ये अपने को आउटपुट रहेगा, आउटपुट है ये, तो इसका फॉर्मूला अपने को होगा एच ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा अपने को रहेगा एंड मोड का स्क्वायर और फिर एस इनपुट। अभी जस्ट मैं बताया था कि इस तरह का अपने को होता है एस इनपुट, अभी मैं एक रिलेशन बताया था ना, ये जो रिलेशन मैंने बताया आपको, ये वाला रिलेशन, ये सेम रिलेशन मैं वहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर अपने को ये सेम रिलेशन है, आउटपुट इज इक्वल टू क्या आता है अपने को, इस तरह से आता। तो चलो क्वेश्चन जो दिया है अपने को, इसका वैल्यू जो अपने को दिया वो दो दिया हुआ, ठीक है ना, इसका वैल्यू अपने को देखो ये दो दिया हुआ, दो हो जाएगा एंड टू का स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, एंड इनपुट का वैल्यू दिया एन नॉट दिया हुआ, इनपुट अपने को है इनफॉर्म जो इनपुट है वो पास किया गया, तो इसमें एन नॉट है, तो एन नॉट अपने को हो गया, तो कहने का मतलब अपने पास 4n0b हो जाएगा, 4n0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो अपने पास 4n0 आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को कि एसएन आई स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ आउटपुट आया ना, बट मेरे को बोल रहा है कि पावर निकालने के लिए बोल रहा है, तो पावर बराबर क्या आ जाएगा, पावर ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या, नॉइस पावर क्या आया अपने पास आएगा, मतलब कहने का मतलब आउटपुट नॉइस पावर क्या अपने पास आएगा, मैं बता रहा हूँ, नॉइस पावर इज इक्वल टू क्या आता है, एस एन जो आउटपुट वाला है उसको मल्टीप्लाई करो बैंडविड्थ से, ठीक है ना, 4n0b आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसके हिसाब से बी हो जाएगा 28 का। चलो 29 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या बोलता है, 29 क्वेश्चन बोलता है कि नॉइस विद डबल सेट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी विद के ऑफ के ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज इज पास फॉर द आरसी लो पास फिल्टर 3 dB दिया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो नॉइस पावर ऑफ एट फिल्टर आउटपुट, नॉइस पावर पूछ रहा है फिल्टर के तरफ, तो मेरे को अगर फिल्टर लगाना है तो फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन जो अपने पास होता है HF इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन जो अपने को निकालता हूँ मैं, फॉर्मूला जो होता है 1/1 j ओमेगा पर ओमेगा सी, ठीक है ना, इस तरह का होता है। इसको अगर थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे अच्छे से, तो 1 j ओमेगा का वाले लिखो 2πf एंड ओमेगा सी का वाले लिखो 2πfc, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो, तो अपने को सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, तो अपने सॉल्व करोगे जब 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास जो रिजल्ट आएगा 1 + 1/j f/fc हो जाएगा, ठीक है ना, इसको और सॉल्व करो थोड़ा सा, तो fc/jf हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से HF का वैल्यू अपने को ये आ जाएगा, मतलब ये क्या है अपने को, ये फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है ना, फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन है अपने को, ठीक है ना, फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन अपने को ये है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो PSD होता है, अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को नॉइस पावर निकालने के लिए बोल रहा है आउटपुट पे, तो जस्ट सेम पीछे का तरह क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ही बोला था कि आउटपुट पे नॉइस पावर निकालो, तो मैंने क्या एक रिलेशन लिखा था, ये मैंने एक रिलेशन लिखा और उससे मैं निकाला था ना, तो चलो वही सेम रिलेशन अपने पास रहेगा, तो जो PSD आउटपुट का होता है, PSD जो आउटपुट का होता है वो इक्वल होता है PSD इनपुट का रहेगा एंड मल्टीप्लाई अपने को एच ऑफ एफ का मोड का स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है अपने को मेरे से शुरू से पता है। तो चलो अब मेरे को पता है इसका जो वैल्यू अपने पास आया देखो, इसका एच एफ का वैल्यू अपने पास ये है, पर एच एफ का स्क्वायर करोगे, कहने का मतलब क्या हो गया, तो fc का स्क्वायर अपॉन fc का स्क्वायर प्लस f आएगा। अब ऐसा इसलिए नीचे आया क्योंकि नीचे भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ ना, तो जब स्क्वायर करोगे तो j है ना, j वाला जब टर्म पढ़ोगे, इमीडिएट टर्म पढ़ोगे तो मल्टीप्लाई होता है, तो जीरो वगैरह आता है, अपने से यहाँ पर डायरेक्ट f आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो j का स्क्वायर 1 ही होता है, तो j f मिल जाएगा, एंड जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ सिंगल j रहेगा तो जीरो हो जाएगा, तो उस तरह से अपने को रिजल्ट आया, ठीक है। अब PSD आप इनपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, PSD जो इनपुट है अपने को k दिया हुआ है, तो PSD इनपुट अपने को क्या क्वेश्चन में दिया है, PSD ये इसका वैल्यू मैं इतना निकाला, अब PSD जो इनपुट का दिया है क्वेश्चन में, PSD इनपुट जो वैल्यू दिया हुआ है अपने को वो k दिया हुआ है। चलो अब मेरे को क्वेश्चन क्या निकालना है, आउटपुट नॉइस पावर निकालना, तो एक पेज में ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो आउटपुट नॉइस पावर क्या आएगा, आउटपुट नॉइस पावर अपने को क्या आएगा, तो मैंने बताया था -∞ to ∞ होता है फॉर्मूला, एंड आउटपुट ऑफ PSD, ठीक है ना, PSD एंड DF, चलो हम लिखो इसको, तो k
वैल्यू पुट करो मैं वहां से, वहां माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आउटपुट ऑफ पीएचडी क्या अपने पास आया, आउटपुट ऑफ पीएचडी अपने पास आया ई आया यानी के आया, ठीक है। तो के मैं बाहर लिखा, इसको इस टर्म को मैं अंदर में लिखता हूँ, ठीक है, टर्म को अंदर में लिखो, तो एफ सी का स्क्वायर अपॉन एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है, एंड डी एफ। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर अपने पास आएगा के पाई एफ सी, ठीक है ना। इसको जब इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करोगे, तो इंटीग्रेशन मेथड किस मेथड से सॉल्व करोगे, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है ना। इस मेथड से आप सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, जो सब्स्टिट्यूट करोगे एफ इज इक्वल टू पुट करो वहाँ पे एफ सी टेन थीटा पुट करोगे ना, फिर पूरा इंटीग्रेशन बनाओगे इसका, एफ इजिकल टू एफ सी टेन थीटा यहाँ पे पुट करोगे, पूरा पूरा इंटीग्रेशन बनाओगे इसको, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा के पाई एफ सी आएगा, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना जो हो जाएगा के पाई एफ सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 29 का। चलो 30 क्वेश्चन नंबर देखो, 30 क्वेश्चन बोलता है, एक देखो एक रेंज दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कि पावर ऑफ आउटपुट प्रोसेस लिख रहा है, पावर निकालने के लिए बोल रहा है आउटपुट के लिए। तो जो ये टू साइडेड स्पेक्ट्रल डेंसिटी दिया हुआ अपने को, टू साइडेड जो है स्पेक्ट्रल डेंसिटी अपने को ये दिया हुआ है 110^-10 वाट पर हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक्स टी है एंड ये वाई टी है, तो मेरे को वो वाई टी निकालना है। चलो आउटपुट पावर क्या आएगा अपने पास, आउटपुट पावर जो अपने को होता है वो एरिया होगा, टोटल एरिया जो अपने पास है, ये अपने को एरिया है, एरिया मल्टीप्लाई एच एफ का मोड का स्क्वायर, ठीक है ना, ये अपने को होगा, ठीक है। तो एरिया अपने पास क्या हो जाएगा, एरिया अपने पास हो जाएगा एक्स टी इंटू, इसका जो वैल्यू होगा अपने को ये देख लो, इस एच एफ का वैल्यू अपने पास क्या है, तो एच एफ का वैल्यू अपने पास हो जाएगा 10 kHz, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा 10 kHz। अब चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, एच एफ का वैल्यू अपने पास 1 है, तो इंटू 1 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ू, तो एक्स टी अपने को क्या, एक्स टी इंटू 10, मैंने एक्स टी इंटू 10 किया, ये 10 मैंने किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने को ये एरिया मिल जाएगा। तो एक्स टी का वैल्यू कितना अपने को दे रहा है, एक्स टी अपने को दे रहा है 10^-10 दे रहा है, 10^-10 मल्टीप्लाई, इसको जब सॉल्व करोगे तो 10^4 आएगा, 10 × 10^3 लिखी दो, एंड फिर इधर तो 1 कैंसिल हो गए, छोड़ दो इसको, इसको आप सॉल्व कर लोगे पूरा, तो 10^-6 आ जाएगा वाट आ जाएगा। तो आउटपुट पावर अपने पास 10^-6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा देख लो ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 30 का बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन बोलता है द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ व्हाइट नॉइज, मैं जस्ट बताया था ऑटो कोरिलेशन ऑफ व्हाइट नॉइज जो होता है अपने को, यानी आर एक्स टॉ जो होता है, आर एक्स टॉ ऑटो कोरिलेशन और आर एक्स टॉ इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टू डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा इसको कहते हैं डेल्टा टॉ, ठीक है, ये होता है एक रिलेशन होता है, ठीक है, व्हाइट नॉइज से ऑटो कोरिलेशन का। तो देख लो ये जो है कौन सा फंक्शन है अपने को, डेल्टा फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो अपने कौन सा है डेल्टा फंक्शन है, ठीक है ना, ये डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा फंक्शन, ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 क्वेश्चन नंबर देखो, 32 बोलता है फॉर अ नैरो बैंड नॉइज़ विद गॉसियन क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीएचडी निकालने के लिए बोल रहा है, पीएचडी ऑफ इट्स एनवेलप विल बी, मतलब पीएचडी क्या आएगा इसका नैरो बैंड नॉइज़, ठीक है ना, तो उसका क्या आएगा नैरो बैंड नॉइज़ जो अपने को ये है, तो अगर एन ऑफ नैरो बैंड और एन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा एनसी, ठीक है ना, टी cos c t, ये फॉर्मूला होता है, प्लस ns t है पूरा में, ठीक है ना, n टू sin ओमेगा, ये अपने को ओमेगा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ओमेगा t, तो ये इस तरह का होता है फॉर्मूला। इसका जो इनवेलप होता है, इट्स इनवेलप जो होता है अपने को, इनवेलप जो होता है अपने को, वो अपने जो होता है अंडर रूट एन सी का स्क्वायर ऑफ टी प्लस एन एस का स्क्वायर ऑफ टी, ठीक है ना, ये अपने को इनवेलप कहलाता है, ये हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें जो एन एस एंड एन सी एंड एन एस जो है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये हो गया कि जीरो मतलब गॉसियन प्रोसेस विद द सेम वेरियंस है, इन दोनों को कहते इनवेलप कहने का मतलब क्या हो गया, दिस जो रिजल्ट होता है वो इनवेलप होता है, ठीक है ना। तो इस वाले फंक्शन को मैं जो कहता हूँ, ये वाला फंक्शन ये रेलिंग कहते हैं, ठीक है, रेलीज अपने को, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये फंक्शन जो है वेरिएबल फंक्शन, इसका जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे नैरो बैंड रहेगा, पीएचडी जब निकालोगे इस तरह का फॉर्मूला आता है, और इस फॉर्मूले को, इस फंक्शन को मैं कहता हूँ रेलीज, ठीक है ना, रेलीज फंक्शन कहते हैं। तो अपने को ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 32 चलो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीएचडी ऑफ द इनवेलप ऑफ नैरो बैंड गॉसियन नॉइज़, सेम क्वेश्चन बोल रहा है, सेम इसी की तरह बस हल्का घुमा के बोला है,
सेम ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, सेम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन पे चलो। 34 क्या बोलता है, 34 क्वेश्चन बोल रहा है अपने को ये व्हाइट नोवाइस क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन ही है लगता है, व्हाइट नोवाइस बोल रहा है ये अपने को। चलो तो बोल रहा है व्हाइट नोवाइस बोल रहा है, ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर। तो व्हाइट नोवाइस है सेम है, पास थ्रू द लीनियर नैरो बैंड फिल्टर, लीनियर नैरो बैंड फिल्टर है। तो पीएचडी बोल रहा है इन वैल्यू ऑफ नोवाइस एज द फिल्टर आउटपुट, वही सेम ही आएगा ऑप्शन नंबर जो होगा, सेम ही क्वेश्चन का इसका सेम आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। आप देख लेना जो मैं ये फॉर्मूला बताया इसी फॉर्मूला से सेम रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। तो ये सेम ही फंक्शन होता है आउटपुट इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 क्वेश्चन बोलता है, 35 बोलता है क्वेश्चन नंबर द पीएचडी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल इज गिवन बाय द इतना फ्रीक्वेंसी द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ द सिग्नल टाइम डोमेन। तो ऑटो कोरिलेशन क्या अपने को आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या अपने को आएगा। चलो देख लो ऑटो कोरिलेशन कहने के निकालने को बोला, आर एक्स टाउ जो निकालने के लिए बोल रहा है अपने को, आर एक्स टाउ इज इक्वल टू क्या होता है फॉरियर का इनवर्स, इनवर्स फॉरियर जो होता है अपने को उल्टा टैन ऑफ एफ बाई एफ, ठीक है ना, एंड इसका स्क्वायर होगा। तो इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो अपने पास होता है, इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म आई एफ टी जो होता है अपने को ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ सिंक फंक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, तो इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो स्क्वायर होता है सिंक फंक्शन का, ठीक है। इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर होता है सिंक फंक्शन का। तो इज ऑलवेज, इज ऑलवेज ट्रायंगुलर होता है, जब स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज ट्रायंगुलर होता है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर सिग्नल। आप पहला क्वेश्चन भी देखोगे तो ट्रायंगुलर सिग्नल, आप पहला क्वेश्चन पे चलो, पहला क्वेश्चन जो अपने पास था, पहला क्वेश्चन जो आउटपुट अपने को, पहला दूसरा क्वेश्चन था उसमें जो अपने को आउटपुट आ रहा था, तो आप देखे भी होगे, मैं एक बार बता देता हूँ, दिखा दे रहा हूँ, जो अपने को पहला ये दूसरा शायद क्वेश्चन था, मैं एक मिनट मैं निकाल रहा हूँ वो क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन अपने को था, तो ये देख लो ट्रायंगुलर था ना, ये ट्रायंगुलर था, तो वही सेम ही क्वेश्चन बोल रहा है वो, तो सेम इसी बेस पे क्वेश्चन था वो ट्रायंगुलर अपने को होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 क्वेश्चन नंबर देखो, 36 बोलता है कि द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द गॉसियन पल्स, सेम गॉसियन पल्स बोल रहा है, तो गॉसियन पल्स कैसा होता है, तो अगर गॉसियन पल्स है अपने को तो सेम गॉसियन ही आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन अपने को फॉरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन पल्स, यानी कि एफ टी निकालता हूँ, फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ गॉसियन का, गॉसियन का निकालता हूँ, तो जो वो जो रिजल्ट आएगा अपने को सेम गॉसियन ही रहेगा, ठीक है ना। जो रिजल्ट अपने पास आएगा अगर एफ टी निकालूंगा इसका, फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, यानी कि क्योंकि मेरे को स्पेक्ट्रम बनाना है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाना है, तो सेम जो मेरे को रिजल्ट आएगा वो अपने को गॉसियन ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 36 का। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पे। 37 क्वेश्चन बोलता है द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन पल्स, तो गॉसियन पल्स का फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सेम गॉसियन ही होगा, ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने बताया कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालता हूं तो क्या अपने को आता है, सेम ही आता है, सेम ही होगा। 37 का अपने को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 38 क्वेश्चन में बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीएचडी ऑफ द एनवेलप ऑफ नैरो बैंड नॉइज, जैसे अभी इससे पिछला क्वेश्चन में पढ़ा था नैरो बैंड नॉइज का पीएचडी क्या आता है, नैरो बैंड नॉइज का पीएचडी अपने को जो आता है वो देख लो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये होता है अपने को। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, तो बोलता है द नॉइज एट द इनपुट टू एन आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर इज वाइट, मतलब वाइट नॉइज अपने पास है, ठीक है ना। अगर वाइट नॉइज है तो द डिटेक्टर इज ऑपरेटिंग एबव द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड पे ऑपरेट हो रहा है, तो द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अपने पास क्या आएगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अपने को क्या होगा। तो जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा, वन मिनट में देख के बता रहा हूँ, देखते हैं। इसमें 39 बोल रहा था कि द नोवाइस बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड पे है, ठीक है ना, तो पीएचडी निकालने के लिए बोल रहा है आउटपुट पे, ठीक है, आउटपुट पे पीएचडी अपना क्या आएगा। तो मेरे को पता है कि नोवाइस एट आउटपुट जो होता है, नोवाइस एट आउटपुट जो अपने पास होता है, जो एट आउटपुट जो क्वेश्चन में दे रहा है वो आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है, ठीक है ना। आउटपुट जो है वो एंड आइडियल है, ठीक है ना, आइडियल है। तो अगर वो आइडियल होता है, आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर होता है अपने को, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर होता है, कहीं पे क्वेश्चन में देखना कि आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लगा रहेगा, जो अपने को आउटपुट आएगा, कहने का मतलब जो पीएचडी आउटपुट अपने पास आएगा, पीएचडी का आउटपुट जाएगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आउटपुट जो अपने पास होगा वो हर हाल में पैराबोलिक होगा, ठीक है ना, पैराबोलिक होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे ही अगर मान लो पैराबोलिक डबल एन एल सिंगल एल होगा, तो जैसे ही मान लो कि अगर वो फंक्शन अपने जो इनपुट होगा, नोवाइस जो आउटपुट इनपुट में होगा अपने को,
वो इनपुट जो अपने पास, ये अपना इनपुट है ठीक है ना, इनपुट में अपने पास होगा वो अगर आइडियल फ्रीक्वेंसी रहेगा, आइडियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर रहेगा, जो आउटपुट में पीएचडी अपने पास आएगा वो पैराबोलिक फंक्शन में आएगा ठीक है ना, तो पैराबोलिक फंक्शन रहेगा अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखो आज का 40 क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है पीएचडी एंड फिर पावर ऑफ अ सिग्नल जी टी एंड फिर अपने को एस एस जी ओमेगा ये दिया हुआ है। पीएचडी अपने को कितना है, जी टी एंड पावर ऑफ द सिग्नल ये है ठीक है ना, इतना है। तो इस तरह का दिया हुआ है, यानी पावर सिग्नल ये दिया क्वेश्चन में एंड फिर पीएचडी अपने को ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि पीएचडी निकालिए, पीएचडी एंड पावर ऑफ सिग्नल इतना का। क्वेश्चन फिर समझो क्या बोल रहा है, पीएचडी एंड द पावर ऑफ सिग्नल जी टी आर इतना एंड इतना, यानी पीएचडी अपना ये हो गया एंड पावर ऑफ द सिग्नल पी जी ये हो गया ठीक है ना, पावर ऑफ द सिग्नल पी जी हो गया एंड फिर पीएचडी अपने को इस सिग्नल का कितना हो गया, एस जी ओमेगा हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब निकालो, क्वेश्चन निकालो कि अगर पीएचडी एंड पावर ऑफ द सिग्नल इतना हो जाए ठीक है ना, पहला अपने को पावर ऑफ द सिग्नल कितना था, इतना था यानी पीजी था, और फिर उसका पीएचडी कितना था, इतना था। तो बोल रहा है कि अगर वो इतना हो जाए पावर उसका, तो पीएचडी एंड फिर पावर कितना होगा उसका, तो ये अपने ए टर्म से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो उसका मतलब स्क्वायर से अपने को मल्टीप्लाई होगा, याद होगा आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट एंड एचएफ का स्क्वायर होता था ना वो इक्वेशन, बस वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके मतलब ए स्क्वायर होगा। तो देख लो अपने को ए स्क्वायर इसमें भी आएगा एंड ए स्क्वायर इसमें भी आएगा, तो देख लो ना ये अपने को ये पहला इनपुट हो गया, ये अपने को एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए पीएचडी हो गया, ये हमारे लिए पावर हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा 40 का ए हो जाएगा ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, क्वेश्चन जो बोल रहा था मैं फिर से समझा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा था कि पीएचडी दिया हुआ था, पीएचडी एंड पावर दिया है सिग्नल का, जो सिग्नल हमारा जीटी है, तो पीएचडी अपने कितना दिया है एंड पावर अपने कितना दिया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नया पीएचडी निकालो जिसका, जिस सिग्नल का पावर इतना दिया हुआ है, ए जीटी दिया हुआ है, तो उसका क्या होगा पीएचडी एंड पावर क्या होगा, तो उसका पीएचडी जितने जिस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ उसका स्क्वायर से अपने को आउटपुट में मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर से अपने को आउटपुट में मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑप्शन नंबर 40 का ए हो गया। चलो फिर क्वेश्चन आज 40 तक कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।